हे एवरीवन वेलकम टू ज्ञान का बस्ता आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएससी जूलॉजी के सेमेस्टर फर्स्ट के पेपर फर्स्ट नॉन कॉर्डेटा की ये जो पेपर है ये सेशन 2023 का है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा जो नया सिलेबस फ्रेमअप किया गया है उसी के बेस पे इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं तो अपकमिंग एग्जाम में स्टूडेंट्स के लिए ये जो प्रीवियसर का क्वेश्चन पेपर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा पेपर को क्लियर करने में जी हाँ ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं ये किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि इससे हमें पेपर के पैटर्न का पता चलता है कि पेपर का पैटर्न क्या है साथ ही ये पता चलता है कि किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में दिए जा रहे हैं किस टॉपिक का कितना ज़्यादा वेटेज है और बहुत बार तो ऐसा होता है अगर हम पिछले तीन से चार सालों के प्रीवियसर के क्वेश्चन पेपर से अपनी प्रिपरेशन किए रहते हैं तो हमारी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा बूस्टअप होती है और बहुत से क्वेश्चन हमें ऐसे मिलते हैं जो हमें अपने अपकमिंग एग्जाम में एज इट इज़ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इट मीन्स जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट किए जाते हैं और प्रीवियसर के पेपर के थ्रू हमें मिल जाते हैं तो इस तरह से इन प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है तो वीडियो में अंत तक बने रहें अगर आप एम एस जूलॉजी के स्टूडेंट हैं और आप देख सकते हैं आपके सामने एम सेमेस्टर फर्स्ट सेशन 2023 का क्वेश्चन पेपर दिखाया गया है ये जूलॉजी सब्जेक्ट का पेपर है पेपर फर्स्ट और इसका टॉपिक है नॉन कॉरडेटा हमारे चैनल पर ऑलरेडी नॉन कॉरडेटा पेपर एम एस सी के चार सेट अपलोड कर दिए गए हैं आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे तो आपकी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छी होगी तो आइए देख लेते हैं सेशन 2023 नॉन कॉडेट है एम एस सी जुलॉजी सेमेस्टर फर्स्ट के इस क्वेश्चन पेपर को इस पेपर की जो टाइम ड्यूरेशन है वो है टू आवर्स की जो कि पहले थ्री आवर्स की हुआ करती थी पर अब इसका टाइम ड्यूरेशन भी कम कर दिया गया है साथ ही इसमें क्वेश्चन भी ये पेपर सेवेंटी फाइव मार्क्स कैरी करता है जो कि नया पैटर्न फॉलोअप किया गया है और उसी के बेस पे आप इसी तरह से आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा इसी पैटर्न पर पेपर में दिए गए इंस्ट्रक्शन को बहुत ही केयरफुली रीड करना चाहिए तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये तीन सेक्शन में डिवाइडेड है ए बी और सी जो भी इंस्ट्रक्शन हमें दिया गया है हर सेक्शन में उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने आंसर को रिप्लाई करना है तो इस तरह से क्वेश्चन पेपर में आपको टोटल ए बी और सी तीन सेक्शन देखने को मिलेंगे और उनका जो आंसर है एक सीरियल ऑर्डर में सॉल्व करने के लिए आपको कहा गया है तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर में दिए गए इन तीन सेक्शंस को और उनमें दिए गए क्वेश्चंस को फर्स्ट है सेक्शन ए सेक्शन ए जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन कैरी कर रहा है और सेक्शन ए के रिगार्डिंग हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको सेक्शन ए में टोटल फाइव क्वेश्चन दिए गए हैं बट आपको अटेम्प्ट केवल तीन क्वेश्चन करने हैं और इन तीन क्वेश्चन को रिप्लाई करने पे आपको टोटल नाइन मार्क्स मिलेंगे इट मीन्स एक क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर थ्री मार्क्स दिया जा रहा है और जो आंसर लिखने की लिमिटेशन होगी वो होगी पचास शब्दों की तो आइए देखते हैं सेक्शन ए के इन पांच क्वेश्चंस को यहां हमें कमेंट लिखना है दिए गए इन पांच टॉपिक पे फर्स्ट टॉपिक है ए कोरलाइट एंड बी है प्रोटोजोअन पैरासाइट्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रोटोजोअन पैरासाइट्स जो पाए जाते हैं उनके बारे में हमें पचास शब्दों के अंतर्गत रिप्लाई करना है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सी मैटमेरिज इन एनिलिडा, एनिलिडा में मेटामेरिस मेटामेरिस पर क्वेश्चन पुटअप किया ही जाता है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर डी स्टोन कनाल स्टोन कनाल के बारे में बताना है एंड लास्ट है ई बिटवीन हेट्रो हेट्रोमेटाबोला एंड हैमी मेटाबोला तो इस तरह से ये पांच टॉपिक थे और इन पांच टॉपिक में से किन्हीं तीन टॉपिक पर आपको रिप्लाई करना था विद इन फिफ्टी वर्ड्स तो इस तरह से आप देख सकते हैं कहीं भी आपको डायग्राम ड्रॉ करने के लिए नहीं कहा गया है बट आप डायग्राम जरूर से ड्रॉ करें जहाँ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं इससे आपका मार्क्स और भी ज़्यादा इंक्रीज होने का चांस बढ़ जाएगा और आंसर और और स्टूडेंट्स के कंपेयर में इफ़ेक्टिव लगेगा नेक्स्ट देखिए सेक्शन बी सेक्शन बी जो कि शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन कैरी कर रहा है और सेक्शन ए के रिगार्डिंग जो इंस्ट्रक्शन दिया गया था यहाँ सेक्शन बी में कुछ चेंज है जैसे कि आप देख सकते हैं सेक्शन बी में आपको टोटल सेवन क्वेश्चन दिया जाएगा और इन सेवन क्वेश्चन में से आपको केवल फोर क्वेश्चन को रिप्लाई करना है एक क्वेश्चन के लिए आपको नाइन मार्क्स दिया जाएगा आंसर लिखने की लिमिटेशन होगी टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव वर्ड्स की तो आइए देखते हैं सेक्शन बी में दिए गए इन क्वेश्चन को फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर ए वट इज़ कनाल सिस्टम कनाल सिस्टम क्या है डिस्क्राइब दी कनाल सिस्टम इन स्पॉन्जेस में एक कनाल सिस्टम जो पाया जाता है उसको आपको डिस्क्राइब करना है विद इन टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव वर्ड्स नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर बी वट इज पॉलीमोरफिज पॉलीमॉर्फिज में क्या है कमेंट अपॉन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पर आपको कमेंट लिखना है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी राइट पैरासिटिक अडोप्टे फाउंड इन मेम्बर्स ऑफ प्लेटिहलम थीस पैरासिटिक अडोप्टेसन के बारे में बताना है जो कि प्लेटिहेलम थीस के मेम्बर्स में पाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी में देखिए राइट अडॉप्टिव रेडिएशन इन पॉलीकीटा पॉलीकीटा में अडोप्टिव रेडिएशन किस तरह से पाया जाता है इसके बारे में आपको बताना है ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है ये हर बार रिपीट किया जाता है या क्वेश्चन में पूछा जाता है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर ई एक्सप्लेन दी फेनोमेना ऑफ टॉर्सियन इन गैस्ट्रोपोडा टॉर्सियन इन गैस्ट्रोपोडा ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर एफ राइट कमेंट्स ऑन बाई लार्वा इन ब्रीफ बाई लार्वा के बारे में आपको बताना है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर जी राइट द एफिनिटीज ऑफ हैमिकॉडेटा एफिनिटीज़ इट मीन्स इसकी प्रॉपर्टी बतानी है यानी कि इसके गुण को बताना है हैमिकॉर्डेटा के तो इस तरह से आप जब नॉन कॉर्डेटा टॉपिक के चारों सेशन के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आप खुद कंपेयर कर पाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं क्वेश्चन पेपर में तो ये थे सेक्शन बी में दिए गए क्वेश्चनस नेक्स्ट आते हैं सेक्शन सी पे जो कि लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन कैरी कर रहा है और सेक्शन सी में आपको टोटल चार क्वेश्चन दिए जाएंगे इनमें से आपको केवल दो को रिप्लाई करना है और एक क्वेश्चन के लिए फिफ्टीन मार्क्स दिया जाएगा आंसर लिखने की लिमिटेशन होगी चार सौ पिछहत्तर शब्दों की तो आइए देखते हैं सेक्शन सी के इन चार लॉन्ग क्वेश्चन को फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर ए राइट एंड ए ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ में मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर एक ऐसे लिखना है चार सौ पिछहत्तर शब्दों में यह क्वेश्चन भी रिपीटेड है यह पूछा जाता है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर बी राइट एन एसे ऑन लार्वल फॉर्म्स इन क्रस्टेशिया क्रस्टेशिया में जो लार्वा पाए जाते हैं उनके कितने फॉर्म्स होते हैं उन पर आपको एक ऐसे लिखना है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी डिस्क्राइब दी वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ इकाइनोडमेटा इकाइनोडोमेटा में जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है फोर हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव वर्ड्स में नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन है डी राइट एंड इस ऑन इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट ये क्वेश्चन भी देखिए रिपीटेड है इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट पे बारे में आपको बताना है तो इस तरह से ये चार क्वेश्चन थे सेक्शन सी से जो कि लॉन्ग थे तो आशा है नॉन कॉडेटा पेपर जूलॉजी एम सेमेस्टर फर्स्ट का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही एमएससी जूलॉजी से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें हम मिलेंगे ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के साथ टिल देन स्टे हैप्पी स्टे कनेक्टेड